आधुनिक युग में आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ लोगों की ये वेदना, ये पीड़ा रही है कि चूंकि वो पूर्ण रूपेण सन्यासी ना बन सके, ब्रह्मचारी ना बन सके, कठोर तप ना कर सके और संसार भोग में लिप्त रहे, इसलिए वे साधना मार्ग में उच्च कोटि की अवस्था के अधिकारी नहीं हैं। शायद वो जीवन में कभी भी उस अवस्था को ना प्राप्त कर पाए जिसे संन्यास का अवलंबन करने वाले या एकांत में साधना करने वाले कर सकते हैं। ऐसी मना स्थिति को असत्य साबित किया योगीराज श्यामाचरण लाहिरी ने। न सिर्फ उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, अपितु वे अध्यात्म के शिखर तक न सिर्फ पहुँचे बल्कि स्वयं शिखर बन गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे योगीराज श्यामाचरण लाहिरी की। आज जो भी अध्यात्म के विषय में जानता है या अध्यात्म का अवलंबन करता है वो संभवतः श्यामाचरण लाहिरी के नाम से अवश्य ही परिचित होगा। योगी कथात्मत में परमहंस योगानंद जी ने लाहिड़ी जी के विषय में कई बातें उजागर की जो कि एक आध्यात्म वेत्ता के लिए न सिर्फ मील का पत्थर हैं बल्कि मन को मोह लेने वाली भी हैं। लाहिड़ी महाशय के जीवन में चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला मिलती है, या यूं कहें कि उनका जीवन अपने आप में एक चमत्कार था जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर लाहिड़ी जी द्वारा होती रही। परमहंस योगानंद के पिताजी भगवती चरण बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष समकक्ष पद पर कार्यरत थे। एक बार उनके एक कर्मचारी ने एक सप्ताह की छुट्टी मांगी। कर्मचारी अविनाश बाबू ने कहा कि छुट्टी लेकर वे अपने गुरु के दर्शन करने जाना चाहते हैं। यह गुरु कोई और नहीं, स्वयं लाहिड़ी महाशय थे। भगवती चरण ने अविनाश बाबू को ये कहते हुए छुट्टी के लिए मना कर दिया कि यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। अविनाश बाबू उदास हो गए। वे घर जा रहे थे तभी पालकी पर सवार अपने उच्चाधिकारी यानी कि भगवती चरण जी से उनकी मुलाकात हो गई। भगवती चरण जी ने पालकी और नौकरों को विदा करते हुए अविनाश बाबू के साथ चलने का फैसला किया। अविनाश बाबू बेमन से उनकी बातों को सुन रहे थे परंतु उनका हृदय बार बार पुकार रहा था कि गुरुजी, मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। चलते चलते दोनों लोग जब एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंचे तभी लाहिड़ी महाशय वहां अचानक ही प्रकट हो गए और वे बोले कि भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार कर रहे हो। इस घटना से स्तंभित हो भगवती चरण ने न सिर्फ अविनाश बाबू को मनोवांछित अवकाश दिया बल्कि स्वयं भी पत्नी समेत लाहिड़ी जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। एक बार 8 वर्ष की उम्र में योगानंद जी को हैजा हो गया। उनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। उस वक्त उनकी माँ ने उनसे कमरे में टंगे हुए लाहिड़ी जी के चित्र को प्रणाम करने के लिए कहा। जब योगानंद जी ने फोटो की ओर देखा तो वहां आंखें चौंधिया देने वाला तीव्र प्रकाश दिखाई पड़ा जिसने उनके सारे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया। इसके बाद योगानंद की बीमारी जाती रही। एक बार लाहिड़ी जी के विरोध के बावजूद भी उनके और उनके शिष्यों की एक सामूहिक फोटो खींची गई, परंतु उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा कि बाकी सारे शिष्यों का चित्र एकदम स्पष्ट है परंतु लाहिड़ी महाशय का चित्र मौजूद ना था। लाहिड़ी महाशय दानापुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। एक दिन सुबह उनके मैनेजर ने उन्हें ऑफिस बुलाया और सूचित किया कि तुम्हारा तबादला रानीखेत कर दिया गया है। लगभग 30 दिन का सफ़र करते हुए लाहिड़ी महाशय हिमालय स्थित रानीखेत पहुँचे।
ऑफिस में काम अधिक ना होने के कारण लाहिड़ी जी के पास पहाड़ों में घूमने का काफ़ी समय होता। एक दिन दोपहर में जब वे पहाड़ों में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि मानो कोई आवाज़ दे रहा है। वे आवाज़ की दिशा में चढ़ते रहे और आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गए, जिसके दोनों ओर गुफाएं थीं। वहीं चट्टान पर मुस्कुराते हुए एक युवक हाथ फैलाए खड़ा था। इस युवक के केश ताम्रवर्णी थे और दिखने में वो बिल्कुल युवा लाहिड़ी लगते थे। वे कोई और नहीं, स्वयं महावतार बाबा थे। वे लाहिड़ी जी को एक साफ सुथरी गुफा में ले गए और वहां रखे कम्बल और कमंडल दिखाते हुए लाहिड़ी जी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है लाहिड़ी? बहुत सोचने पर भी जब लाहिड़ी जी को कुछ भी याद नहीं आया, तब बाबा जी ने उनके भ्रू मध्य पर स्पर्श किया। स्पर्श होते ही लाहिड़ी महाशय के पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो गई। आनंद के आवेग से उनका कंठ मानो अवरुद्ध सा हो गया। भाव विभोर हो व अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात बाबा जी के निर्देशानुसार लाहिड़ी महाशय ने कटोरे में रखा हुआ तेल पिया और गोगास नदी के किनारे जाकर लेट गए। हिमालय की बर्फीली हवाएं थीं, नदी की लहरें उनके शरीर से टकरा रही थी और पास ही बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी। परंतु लाहिड़ी महाशय निर्भय और निश्चिंत वहां लेटे हुए थे। कई घंटे इसी अवस्था में बीत गए, जिसके पश्चात एक आदमी आया और उसने लाहिड़ी जी को सूखे वस्त्र दिए और अपने साथ महावतार बाबा जी के पास चलने के लिए कहा। जब वे लोग एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अपने मार्गदर्शक से पूछा कि क्या सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से अभी पूरी रात नहीं बीती है। उनके सहचर ने उन्हें बताया कि वह प्रकाश एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका निर्माण बाबा जी ने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि सुदूर पूर्व में तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा की थी और आज उस इच्छा पूर्ति के पश्चात तुम अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त हो जाओगे। लाहिड़ी महाशय ने इस विशाल स्वर्ण महल को, जिसमें कि अनगिनत बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे और जिसमें कई प्रकोष्ठ थे, को बाहर से भीतर तक जी भर के देखा और अंततः उसी स्वर्ण महल में बाबा जी की उपस्थिति में एक हवन कुंड की अग्निवेदी के समक्ष लाहिड़ी महाशय की दीक्षा संपन्न हुई, जिसके पश्चात बाबा जी ने स्वर्ण महल को तिरोहित कर दिया। जहां थोड़ी देर पहले एक अद्भुत महल था, अब वहां बाबा जी और उनके सभी शिष्य जमीन पर बैठे हुए थे। इस घटना के पश्चात दोपहर के वक्त लाहिड़ी जी अपने कंबल के आसन पर बैठे और उसी वक्त बाबा जी ने करीब आकर उनके सिर पर अपना हाथ फेरा। लाहिड़ी जी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए और 7 दिन तक उसी परमानंद की अवस्था में रहे। इस प्रकार माया के सभी बंधन टूट गए और आत्मा परमात्मा की वेदी पर स्थापित हो गई। इसके पश्चात बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को निर्देश दिया कि वे शहर की भीड़ भाड़ में जाकर एक उच्चतम गृहस्थ योगी का उदाहरण प्रस्तुत करें। इस घटना के पश्चात लाहिड़ी जी कुछ समय के लिए मुरादाबाद गए और एक बार कुछ मित्रों के कौतूहल को शांत करने के लिए उन्होंने बाबा जी की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की। महावतार बाबा जी उपस्थित तो हुए, परंतु लाहिड़ी जी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देखने के बाद विश्वास करना आसान होता है, उसमें फिर किसी आत्मशोध की जरूरत नहीं रह जाती। इंद्रियों के परे सत्य की खोज वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक शंकाओं से ऊपर उठकर साधना का अभ्यास करते हैं, और वही लोग इसके सच्चे अधिकारी भी हैं। इस घटना के पश्चात काशी में एक अभूतपूर्व घटना घटी। एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से पूछा कि क्या बात है, आप कुछ दुखी लग रहे हैं।
उनके सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। लाहिड़ी महाशय बोले कि मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूँ, और इतना कहकर वे एकांत स्थान में जाकर कुछ दूर बैठ गए। वापस आकर उन्होंने अपने अधिकारी से कहा कि आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है और वो आपको एक पत्र लिख रही हैं। साथ ही उन्होंने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। जब पत्र आया तो उनके अधिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसमें न सिर्फ पत्नी के अच्छे होने का समाचार था, बल्कि वही शब्द थे जो लाहिड़ी महाशय ने बताए थे। कुछ महीने बाद जब अधिकारी की पत्नी भारत आई, तब उसने श्रद्धा के साथ लाहिड़ी महाशय से कहा कि महीनों पहले आपने रुग्णशैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मुझे दर्शन दिया था और उसी क्षण के बाद मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। एक दिन अभया नाम की लाहिड़ी जी की शिष्या गुरु दर्शन हेतु काशी के लिए चली। रास्ते में यातायात अधिक होने के कारण वे स्टेशन देर से पहुंची। अभया ने मन ही मन लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की कि गुरु जी, मैं यथाशीघ्र दर्शन के बिना नहीं रह सकती। बड़ा आश्चर्य, गाड़ी के पहिए घूमते रहे परंतु गाड़ी आगे ना बढ़ी। आखिरकार जब अभया लाहिड़ी जी के घर पहुंची, तो लाहिड़ी जी बोले, तुम्हें मुझे कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है, जैसे कि तुम अगली गाड़ी से यहाँ आ ही नहीं सकती थी। योगानंद जी से वार्तालाप के दौरान योगीराज लाहिड़ी जी की अर्धांगिनी काशीमणि जी ने उन्हें बताया कि एक बार मुझे स्वप्न आया कि कई तेजस्वी दिव्य विभूतियाँ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रही हैं। दृश्य इतना वास्तविक था कि मैं तत्काल जाग गई। जागने पर मैंने पाया कि कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है और मेरे पति पद्मासन में स्थिर देवताओं से घिरे हुए हवा में बैठे हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं आपका सच्चा स्वरूप ना जान सकी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। उन्होंने मेरे ललाट को स्पर्श किया और मैं आनंद की लहरों में खो गई, और इसके पश्चात गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। उन्होंने एक अन्य घटना का वर्णन करते हुए बताया कि दीक्षा के कुछ महीनों बाद मैं असहाय उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक दिन लाहिड़ी महाशय कमरे में कोई वस्तु लेने आए। मैं उनके पीछे पीछे गई और अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया, आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मुझे अफसोस है कि परिवार के लिए अधिक धन इकट्ठा करने में आपकी कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे देखा और वे अदृश्य हो गए। आवाज आई, मेरे जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? वापस प्रकट होने पर लाहिड़ी जी ने कहा कि तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। उन्होंने कहा कि मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारे लिए उचित धन की व्यवस्था कर देगा। और भविष्य में ऐसा ही हुआ। उनका एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफ़ी धन दे गया। लाहिड़ी महाशय कहते थे कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस बात पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा, इसलिए अभी से भगवान को जान लो, अनवरत ध्यान करो, ताकि तुम जल्दी से जल्दी स्वयं को अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। अपने शिष्यों को वे अनावश्यक चर्चा में ना उलझने का परामर्श देते थे। वे कहते थे कि बुद्धिमान वही है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने की बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने की अपेक्षा ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करो। शास्त्रों के किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाएं कचरे के समान हैं, उनको अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति को प्राथमिकता दो। मनुष्य कुप्रवृत्तियों के आगे साधारणतया असहाय हो जाता है, परंतु साधना के अभ्यास से उसकी चेतना में इंद्रिय सुख से कई अधिक श्रेष्ठ और चिरस्थायी आनंद जागृत होता है। और आत्मा जब उच्च शक्ति के साथ एकाकार हो जाती है, तब प्रकृति मनुष्य की इच्छा का पालन करती है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है।
धन्यवाद।